गोर परिवारवादी तो सिर्फ नारों से ही काम चला रहे थे। साथियों, आजकल ये लोग नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनकी सच्चाई भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यहां योगी जी ने 5 साल में करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जबकि योगी जी के आने से पहले 10 साल तक जो सरकारें चली उन्होंने 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही काम दिया था, नौकरी दी थी। भाइयों, 10 साल में 2 लाख और 5 साल में 10 लाख, 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। भैया, भाइयों बहनों, और तब कारोबार क्या था, किसी की सिफारिश लगानी पड़ती थी, किसी नेताजी का कुर्ता पकड़ के चलना पड़ता था, गरीब मां को अपनी जमीन गिरवी रख करके करप्शन के पैसे देने पड़ते थे, तब जाकर के मुश्किल से बेटे का इंटरव्यू निकालता था। भाइयों बहनों, गरीब को इतना नुकसान इन लोगों ने किया था। भाइयों बहनों, हमने वो स्थिति बदली है। क्या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोग, क्या हम उनको माफ कर सकते हैं? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में हमने इंटरव्यू समाप्त करने का भी बहुत बड़ा निर्णय कर लिया, और उसका लाभ भी ये सब कटकी कंपनी को दरवाजे दिखा दिए। भाइयों बहनों, दरवाजे दिखाइए, और गरीब को अर्जी करने पर योग्यता के आधार पर घर पे ऑर्डर आ जाता है। भाइयों, साथियों, आज ये परिवारवादी लोग किसानों की भी बातें करने लग गए हैं, उन्हें लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बहराइच का किसान इनकी सच्चाई भी जानता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दर्जनों चीनी मिलें बंद करवा दी, चीनी मिलों को ताले लगवाए कि नहीं लगवाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया और खाद के लिए किसानों पर डंडे चलवाए। ये वो लोग हैं जो किसान को गन्ने की पर्ची के लिए तरसा देते थे। पिछली सरकार के समय बहराइच के 75,000 किसानों को ही सरकारी खरीद का लाभ मिल पाया था, जबकि हमारी सरकार ने सिर्फ बहराइच में गेहूं और धान के करीब 2 लाख किसानों से सरकारी खरीद की। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और मैं आपको बताता हूं मैं रास्ता खोज करके लाया हूं। दोस्तों, 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे। भाइयों, इन लोगों का काम करने का तरीका क्या रहा है, इसका उदाहरण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना भी है। इनकी लापरवाही की वजह से ये योजना 4 दशक से भी पूरी नहीं हो पाई, 40 साल बीत गए। भाइयों, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? अरे, आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति
अगर दो घंटे तक काम करना पूरा है और दो दिन तक नहीं करता है तो उसको रखते हैं क्या? आप रखते हैं क्या? उसको कहते हैं बाबा जाओ, तुम नहीं कर सकते हो, कह कहते नहीं। ऐसे लोगों को सरकार में वापस लाओगे क्या? लाओगे क्या? 40 साल तक जो आपके लिए जीवन मरण का सवाल है, ऐसा पानी का काम लटकाए रखा। और देखिए बर्बाद कैसा किया रुपयों को। जब ये योजना का प्रारंभ हुआ था तब खर्चा होने वाला था 100 करोड़ में शानदार काम हो जाता, लेकिन 40 साल लटके रखा। जो आए उन्होंने कटकी की, हर किसी ने अपनी मलाई खाने का रास्ता खोजा और जाते जाते 100 करोड़ का काम 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 10,000 करोड़ ये पैसे आपके थे जो बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, आपकी कमाई के पैसे थे इन्होंने बर्बाद किए हैं। इस योजना से बहराइच और गोरखपुर के बीच 9 जिलों के 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होने वाला था, 30 लाख किसानों का इन्होंने गला घोंट दिया भाइयों। लेकिन बरसों के इंतजार के बाद आपको ये लाभ अब मिला है, हमारी सरकार के प्रयासों से मिला है। साथियों, बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहां की मिट्टी माफ नहीं करती है, लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं कई कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, और जरा बहराइच से आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि इन गोर परिवारवादियों की नींद उड़ जाए। जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जो बम धमाके करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दें, ऐसे आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर फांसी का हुक्म होता है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आतंकवादियों को फांसी होती है तो निर्दोष नागरिकों को उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद के न्यायालय ने अनेक लोगों को फांसी की सजा सुनाई जो आतंकवादी घटनाएं करके, बम धमाके करके निर्दोषों को मार दिया था। मुझे बताइए, ये न्यायालय ने सही काम किया कि नहीं किया? ऐसा काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है। भाइयों,
बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर जिलों में विकास को रफ्तार दी जा सके, इसके लिए कई सौ करोड़ रुपए इसकी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। बहराइच गोंडा रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत का रास्ता खुल गया है। यहां नए पुल बनाना हो या फिर कनेक्टिविटी के काम, हमारी हर कोशिश उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। 10 मार्च के बाद हमारी सरकार ऐसे कार्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए नई ऊर्जा के साथ जुटेगी। लेकिन भाई और बहनों, आपको ये और बात गांठ बांध लेनी है, माफियावादियों को मौका मिला तो ये लोग गांव गरीब की योजनाओं को बंद कर देंगे, बदले की भावना से बंद करेंगे। जिसको मौका पड़ेगा वो बदला लेने की ताक में है, क्या बदला लेने देंगे? बदला लेने देंगे? जो बदला लेना चाहते हैं उनको आने देंगे? ये बदला वालों को अवसर देंगे?